दोस्तों इस वक्त की बेहद बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां पर दोस्तों रोहित शर्मा ने किया न्यूजीलैंड दौरे पर सबसे बड़े डर का खुलासा, कही यह बात। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो रोहित शर्मा के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं मात्र 1000 लाइक का, जिसे आप लोग पूरा कर दीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, रोहित शर्मा को जरूर सपोर्ट करें। तो दोस्तों चलिए बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम श्रीलंका के खिलाफ T20 और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद 2 महीने के न्यूजीलैंड दौरे पर रवाना होगी। इस दौरे पर भारतीय टीम को 5 मैचों की T20 सीरीज, 3 मैचों की वनडे सीरीज और 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेना है। भारतीय टीम के इस बहुप्रतीक्षित दौरे पर सभी की नजरें होंगी, क्योंकि इसमें प्रशंसकों को भी रोमांचक मुकाबले देखने की आस है। भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा ने इस दौरे को लेकर सबसे बड़े डर का खुलासा भी किया है। दोस्तों रोहित शर्मा ने कहा कि न्यूजीलैंड दौरे पर क्रिकेट खेलने के लिए आसान देश नहीं है। रोहित के अनुसार पिछली बार जब हम न्यूजीलैंड खेलने गए थे तो हमने 1-0 से टेस्ट सीरीज गवाई थी। हालांकि हमने अच्छा संघर्ष किया था, बावजूद इसके न्यूजीलैंड क्रिकेट खेलने के लिए आसान देश नहीं है। पिछली बार के मुकाबले इस बार हमारा गेंदबाजी आक्रामक भी काफी बेहतर है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 1 दोहरे शतक सहित 3 शतक जड़ने वाले रोहित शर्मा को अब न्यूजीलैंड में नील वैगनर, मैट हेनरी, ट्रेड बोल्ट और टिम साउथी जैसे तेज गेंदबाजों का सामना करना है। रोहित शर्मा ने कहा, व्यक्तिगत रूप से न्यूजीलैंड का दौरा मेरे लिए चुनौतीपूर्वक रहेगा, इस बात में कोई संदेह नहीं है। न्यूजीलैंड के गेंदबाज योजना के साथ मैदान पर उतरते हैं और उस पर टिके रहते हैं, इसी वजह से उनकी गेंदबाजी बहुत घातक है। रोहित शर्मा ने साथ ही कहा कि जो कुछ भी बीत चुका है मैं उसे बदलाव नहीं कर सकता, मैं बस इसी बात से खुश हूँ कि मुझे ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी करने का मौका मिला और मैं उसका लुत्फ उठा रहा हूँ। रोहित शर्मा ने साल 2019 में सभी प्रारूपों में मिलाकर कुल 2442 रन बनाए थे। वहीं इस बारे में रोहित शर्मा ने कहा, मैं नहीं जानता कि इसे कैसे बयां करूं, लेकिन टीम के रूप में सफलता हासिल करना खास अनुभव है। अगर आप मुझसे जानते हैं तो आपको पता होगा कि मेरे करियर के किसी भी मोड़ पर निजी रिकॉर्ड मेरे लिए कभी अहमियत नहीं रही। पिछले साल 2442 रन बनाना ठीक है, लेकिन हमारा लक्ष्य सभी सीरीज जीतने का है। अगर आप अच्छा खेलेंगे तो रिकॉर्ड अपने आप बन जाएंगे। मैं इसका श्रेय खुद को देना चाहता हूं कि मैं पहले की तुलना में अपने खेल को अब अच्छी तरह समझने लगा हूं। दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। रोहित शर्मा के इस बयान के संबंध में आपकी क्या राय है, आप अपनी महत्वपूर्ण राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ज्यादा जानकारी और क्रिकेट की अन्य तमाम खबरों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।